मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश में 12 दिसंबर से कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय में दर्ज छात्र छात्राओं का मूल्यांकन और विकसित दक्षताओं का आकलन प्रतिभा पर्व के रूप में प्रारंभ हो रहा है। इसी तरह उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील में भी यह प्रतिभा पर्व छात्र छात्राओं के कौशल विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा की गुणवत्ता सकारात्मक करने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा गठित दल अकादमिक परियोजना अधिकारी बीआरसी बीएससी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी और जन शिक्षक करेंगे। इसके साथ ही राजस्व अमला और अन्य विभाग के कर्मचारियों को सघन मॉनिटरिंग हेतु शासन के निर्देशानुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है। मॉनिटरिंग पर नजर रखने के लिए नियंत्रक के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और राजस्व विभाग के प्रमुख को अधिकृत किया गया है, जिसका उद्देश्य हेड काउंटिंग के मान से छात्र छात्राओं की शिक्षक में शिक्षा की गुणवत्ता विकसित हो। उज्जैन से अजय नीमा की रिपोर्ट। हाँ जी, मध्य प्रदेश शासन स्कूली शिक्षा विभाग के आदेशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिभा पर्व 2019-20 का आयोजन 12-13-14 दिसंबर 2019 को रखा गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए एक आवश्यक कदम है, जिसके माध्यम से बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। बच्चों की एग्ज़ाम के माध्यम से उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा भेजे गए प्रश्न पत्रों के माध्यम से उनकी लिखित परीक्षा ली जा रही है। आज प्रतिभा पर्व का प्रथम दिवस 12 दिसंबर को है, जिसमें प्रथम पाली में कक्षा 6-7-8-3-5 की प्रथम पाली की परीक्षा संपन्न हो गई थी। अभी द्वितीय पाली में कक्षा 8वीं में शासकीय कन्या उमावी घटिया में कक्षा 8वीं के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। अंदर आपने देखा द्वितीय भाग के रूप में गणित विषय का प्रश्न पत्र बच्चे हल कर रहे हैं। बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस पढ़ा है माह नवम्बर तक का जो पाठ्यक्रम था वो पूर्ण कराया गया हमारे शिक्षकों के द्वारा, और उसी में से सारे प्रश्न आए। बच्चे काफ़ी खुश हैं कि उनके द्वारा जो पढ़ाया है, जो शिक्षक ने पढ़ाया, उसी सिलेबस में से प्रश्न आए हैं, और बच्चों को काफ़ी अच्छा पेपर लग रहा है। कोई भी किसी बच्चे को परीक्षा में किसी कठिन बिंदु ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसके द्वारा बच्चे खुशी खुशी इस प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। गत दिवस और क्या प्रोग्राम होने वाले हैं इस योजना के अंतर्गत? गत द्वितीय दिवस भी बच्चों का शैक्षिक मूल्यांकन किया जाएगा दो पारी में, और तृतीय दिवस 14 दिसंबर 2019 को बाल सभा के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक बंधु, बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा बच्चों का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा, विशेष भोज की व्यवस्था होगी बच्चों की, और हर्षोल्लास के साथ पूरे विद्यालय परिवार एक वार्षिक उत्सव के रूप में बच्चों के सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाएंगे, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय विधायक जी के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत करने का कार्य यहाँ पर विद्यालय परिवार में किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।